इंदौर में व्यापारी के घर पर तोड़फोड़ करने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और अब पुलिस कार्रवाई की बात भी कह रही है। दरअसल व्यापारी की कार में एक तोड़फोड़ की गई है जिसका एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया है और यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि व्यापारी की शिकायत पर अब जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। दरअसल कपड़ा व्यापारी के यहाँ पर अज्ञात बदमाशों ने यहाँ पर उनकी कार में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था जिसका एक सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ गया है, जहाँ पर फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के साठवीट रोड स्थित रहने वाले कपड़ा व्यापारी अर्जुन राठौर के घर के बाहर का है, जहां पर उनकी कार खड़ी हुई थी, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार में तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी के बाद में फरियादी ने थाने पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और मामले में पुलिस अब अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी जाँच कर रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में फरियादी के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसके पड़ोसी के द्वारा ये बताया गया था कि तुम्हारे गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ कांच टूटे हुए थे, गाड़ी के कांच टूटे हुए। तो इस आधार पर जब मैंने देखा अपनी फोर व्हीलर गाड़ी थी तो उसके आगे के कांच टूटे हुए तो पीछे के कांच टूटे हुए थे। इस आधार पर उसके द्वारा थाना पर फरियादी के द्वारा थाना एरोड्रम में रिपोर्ट लिखाई गई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिसमें कुछ लड़के इसमें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद इनके खिलाफ सुरक्षित की जाएगी।